उत्तर प्रदेश के बलिया में एक महिला और उसके दो बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। महिला के मायके वालों का आरोप है कि महिला के पति और उसके ससुर ने उसकी हत्या की है। इस मामले में पुलिस के मायके वालों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बलिया जिले के मनियार थाना क्षेत्र के नाहगंज गांव के घर में पड़ी ये लाश रमिता चौहान और उसके दो बच्चों की है। इनकी हत्या गला दबा के कर दी गई है। इस बात की जानकारी जब महिला के मायके वालों को हुई तो उन्होंने कहा कि अक्सर महिला के ससुराल वाले उसको पति तारीफ किया करते थे और कल ही अपनी लड़की का मुंडन संस्कार था तो वो लोग भी उनसे बात नहीं करने दे रहे थे। मायके वालों का कहना है कि पति और ससुर ने मिलकर इनकी हत्या की है। हालांकि इस मामले में पुलिस प्राथमिक जांच में गला दबाकर हत्या की बात कह रही है और मायके वालों की तहरीर पर पति और ससुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपका नाम क्या है? रामबिलन चौहान। क्या मामला है अभी आप लोग यहाँ? हम बता रहे हैं सर क्या मामला है यहाँ पर। कल हम लोग गए थे गंगा घाटे, कल बार बाहर था ठीक हमारे घर से इनके लड़के का, और इस लड़की का मायके वहाँ पड़ता है बंगला पर ठीक, जयप्रकाश चौहान की लड़की है ये, और यहाँ से जो लड़का एक छोटा सा लड़का जो मारा है उसका भी बार का मतलब वहाँ था ठीक है। यहाँ से भी ये लोग पहुँचे तो इसकी ननद जो मरी है उसकी ननद और इसके आदमी और वो लड़की थी, तो मानकर चलिए वहाँ घाट पर जब भेंट हो गया मायके वालों से सब पर पैर छूने लगी पर भी सुई गोड़ लगी, वहाँ पर इसकी ननद और इसके पति जल रहे थे, तुम जल्दी करो यहाँ से चलो, क्या बात है क्या नौटंकी लगा रखी हो, घर जाना है ये है वो है, धूप लग रहा है, मेरी बहुत दुनिया भर का यहाँ लफड़ाऊ की। हम लोग बोले भाई रिश्तेदारी की बात है, हम लोग बोले ठीक है तुम लोग जाओ यहाँ से निकलो हम लोग ही निकलेंगे ठीक है। वहाँ से आए उसका पति वहाँ बोला ये शब्द बोल रहा था कि ठीक है तू चल घर पे बताता, तो वो लड़की क्या बोल रही थी, बोल रही थी अपनी माँ से कि माँ देख रहे गुस्साते हैं, मतलब मजबूरी बोली कि मतलब गुस्सा रहे हैं ऐसी ऐसी बात, इसी तरह से लोग गुस्साते हैं जल रहे हैं ये लोग। वहाँ से आए घर पर, घर पर तो नाम तो जानते नहीं हमारे यहाँ गाँव नहीं, लेकिन दो चार दिन अगल बोल के बोले कि यहाँ पर शाम को आकर के कुछ टूटू मैं की अपने आपस में ठीक, जो लड़की कपड़ा पहनी थी और जो लड़के बच्चे छोटे छोटे कपड़ा पहने हैं जहाँ गंगा घाट देखे हैं वही कपड़ा तीनों बिस्तर पर मरे पड़े थे और वही सेम कपड़ा गाना टोटल सब कपड़ा वही था। क्या उनको हत्या कर दे, हत्या करके मार दिया? टोटल गला दबाकर मारे हैं सर, दो बच्चे हैं उनका जवान है सर, बाहर निकल रही है ऐसे ऐसे पूरा ये स्थिति है। इनकी मौत हो गई जी, कैसे सूचना आप लोगों को लगी? हम लोग सूचना जो लड़का ये अभी बोल रहा था ना ये शायद घर पे बात किया कि वहाँ पर हमारे दीदी के यहाँ से फोन आया ऐसे ऐसे घटना घटा है, हम लोग वहाँ से यहाँ 10 घर रिश्तेदारी है हम लोगों का, हम लोग यहाँ पर फोन लगा के पता किए, यहाँ के लोग बोले कि ऐसी बात नहीं हम लोग को मालूम ही नहीं है, अगर होता तो हम लोग बता देते, फिर हम लोग माने नहीं, फिर वहाँ से कम 10 गाड़ी से हम लोग आए यहाँ पर देखे तो मौका पर दम टोटल उसी तरह से लाश पड़ी थी और ये लोग बाहर थे। हम लोग पूछे तो उसका पति क्या बोल रहा है कि ये तो पंखे फांसी लगा के मरी है, फिर उसका ससुर जो बोल रहा है कि ये गर्म की वजह से लोग मरे हैं, और उसकी जो बड़ी भव है वो बोले थे हम लोग शाम को ही छत पर चले गए, हम लोग कुछ जानते ही नहीं है जी। तो क्या इसमें क्या लग रहा है आपको कि इसकी हत्या की गई? साजिश किस तरह, साजिश रच करके ये लोग मारे हैं, इसकी ननद जो है उसका मेन हाथ है वो।